गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पार्ट टू फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब देखिए, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में बताया था. ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या था कि आपके पास वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के जब टेम्परेचर कांस्टेंट था. चार्ल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के, जब प्रोवाइडेड प्रेशर क्या होना चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ क्या है कि फॉर अ गिवन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, फॉर अ गिवन वॉल्यूम या फिर फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ मास, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यहाँ पे हम टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग क्या है कि आपके पास जो टेम्परेचर सेल्सियस में होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में. लाइक 0 डिग्री सेल्सियस है उसको आप कन्वर्ट कर देंगे कैसे, बाय एडिंग 273 टू इट. 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाएगा, 273 केल्विन के. और इसी 273 केल्विन को हमने क्या बोला है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. क्लियर है. अब देखिए हमारे पास क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर टी के है, या फिर वी अपॉन टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट के. इस स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू में T, और V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेट दिस कॉन्स्टेंट इज K. अब अगर हम ग्राफ की बात करें, देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के. अगर यहाँ पे टेम्परेचर है, इस साइड आपका अगर वॉल्यूम है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इसी को हमने 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन बोला गया है, विच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोला गया है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो मोशन होता है किसका, पार्टिकल्स का, वो क्या हो जाता है, सीज हो जाता है. मोशन है जो मोलिक्यूल्स का, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे सीज हो जाता है. मीन्स जो यहाँ पे स्पीड है पार्टिकल्स की, वो कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स जीरो. इस पॉइंट पे स्पीड है जो पार्टिकल्स की वो कितनी बन जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है. इसी इस टेम्परेचर को हमने क्या बोला है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. क्लियर है. अब मान लो हमारे पास वी वन कोई गैस है, उसका वॉल्यूम है वी वन, टेम्परेचर है टी वन, जो कि कॉन्स्टेंट के इक्वल है. सिमिलरली एक वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2, वो भी आपके पास K के इक्वल है. कंबाइन कर दो 1 एंड 2 को. कंबाइन करेंगे अगर आप 1 एंड 2 को तो क्या आ जाएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K. मीन्स हमारे पास क्या हो गया कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, V2 अपॉन T2. मीन्स जो इनिशियल वॉल्यूम है गैस का अपॉन इट्स जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, वो किसके इक्वल है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन इट्स टेम्परेचर. अब एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम डायग्राम से देखें, और जो ये ग्राफ बनाया था मैंने जिसमें टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सॉरी हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम का इंक्रीज होना और टेम्परेचर डिक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार. आइसोबार का मीनिंग क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोबारिक ग्राफ. आइसोबार का मीनिंग क्या है, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर, कि प्रेशर सेम रहने पे जो ग्राफ आ रहा है, दैट इज नोन एज अवर आइसोबारिक ग्राफ. नेक्स्ट अगर आपके पास देखिए यहां पे क्या है, ये पिस्टन लग रखा है, इसमें जो ये गैस के मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका जो वॉल्यूम है, यहां पे वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है. टेम्परेचर भी क्या है, कॉन्स्टेंट है. अब मैंने क्या किया, यहां से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया. जब मैं यहाँ पे हीट प्रोवाइड करूंगी
तब क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इनके बीच में मोशन होगा, मोशन होने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स ऊपर को जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्यों, जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हीट प्रोवाइड किया तो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्लियर है। इससे क्या होगा, उनका जो पार्टिकल्स का मोशन है वो इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी उनकी, स्पीड इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ में पता है कि इसमें क्या होता है, वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है हमारे पास, या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें टेम्परेचर के, और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, बॉयल्स लॉ में क्या होता था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, प्रेशर के, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। सो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम टी अपॉन पी बन जाएगा, और वीपी इज इक्वल टू, वीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, और वीपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ढाके हमने क्या लगा लिया, आर। अब अगर आपके पास वन मोल ऑफ गैस है, वन मोल ऑफ गैस के लिए जो आर है वो क्या रहता है, आर रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, और इस आर को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, कैपिटल आर से। सो वीपी इज इक्वल टू कैपिटल आर टी। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है, एन की वैल्यू क्या है, अगर वन है, क्लियर है, अगर आपके पास स्मॉल एन की वैल्यू वन है तो पीवी आपके पास किसके इक्वल है, आर टी के। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन है, इफ नंबर ऑफ मोल्स इज स्मॉल एन, देन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। बड़ी एक तो क्या है आपके पास, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, क्या जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो सॉलिड होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, लिक्विड में एक्सपेंशन कम होती है, गैसेस में सबसे कम होती है। हीट देने से क्या हो रहा है, हीट देने से आपका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, जो भी सॉलिड था वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। अब सॉलिड एक्सपेंड क्यों होता है, मान लो ये सॉलिड है, ये उसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब इनमें क्या होगा, इंटर एटोमिक फोर्स होगी, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटर एटोमिक फोर्स होगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द इंटर एटोमिक फोर्स स्प्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। अब वहां पे हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यहाँ पे एनर्जी है, इसके इधर क्या है आपके पास, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, जो ये मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ग्राफ आया था वो कुछ ऐसा आया था आपके पास, ठीक है, दिस इज योर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और जो ग्राफ आया है वो कुछ ऐसा सा आया था यहाँ पे, क्लियर है। अब जो इसमें मिनिमम एनर्जी थी वो कहाँ होगी, इस पॉइंट पे होगी, यहाँ पे क्या होगी, मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, एंड दिस डिस्टेंस इज योर आर नॉट, ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर को आए, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करके हम मान लो यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं, या उनका जो मोशन है वो यहाँ पे आएगा, तो जो ये डिस्टेंस था आपका, दिस इज योर एवरेज डिस्टेंस, इस साइड से उन्होंने डिस्टेंस इतना कवर किया, इस साइड से उन्होंने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, यहाँ पे तो कम डिस्टेंस कवर कर पाए, यहाँ पे वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए तो उनका जो एवरेज डिस्टेंस है वो यहाँ पे कहीं होगा, आर नॉट, इस पोजिशन के लिए,
ठीक है, तो इस एवरेज डिस्टेंस के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, तो देखो वो बाहर की तरफ भी जाते हैं अंदर की तरफ भी जाएंगे। नेट जो मोशन है उनका, वो एवरेज मोशन, वो कहाँ पे रहता है? वो यहाँ पे ही कहीं रहता है। ठीक है, बाहर की तरफ भी अट्रैक्शन हो रहा है, अंदर की तरफ भी हो रहा है, जो नेट मोशन है वो उनका इस तरफ ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो इसका जो ये वेल बन रहा है, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल वेल। ओके, नेक्स्ट होता है आपके पास, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इसी कारण जो सॉलिड है वो आपके क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, वो थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। अब मानो हमारे पास कोई रोड है, वन डायमेंशन है, इसकी लेंथ है लेट एल। आपने इसको हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड करने से इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, मान लो डेल्टा एल से, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी से, तो जो ये चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक तो टेम्परेचर के, दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ओरिजिनल लेंथ के। सो कंबाइन कर दो वन एंड टू को, तो चेंज इन लेंथ किसके प्रोपोर्शनल हुआ, एल डेल्टा टी के। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने क्या लगा दिया, अल्फा। ठीक है, सो अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अल्फा को आप डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। सो ये क्या हुआ हमारे पास, अल्फा क्या है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो अल्फा क्या हुआ, इंक्रीज कितना आया लेंथ में, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास सेकंड है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब लीनियर की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन में अब क्या आएगा, अब हम 3D फिगर ले लेंगे और उसमें हम किसकी बात कर लेंगे, वॉल्यूम की, वॉल्यूम एक्सपेंशन। लेट यहाँ पे ये आपके पास क्यूब है, ठीक है, इसकी लेंथ है एल, वॉल्यूम है वी। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये 3D है आपका, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा वी डेल्टा टी, और गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज अवर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर है? इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इनके जो यूनिट्स आएंगे वो सबके क्या आएंगे, सेल्सियस इनवर्स, क्योंकि लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, प्रीवियस केस केस को डिस्कस करें, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, सो टेम्परेचर बचा, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स ऊपर जाके, दीज आर द यूनिट्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अल्फा और गामा के बीच में, गामा है यो दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब हमें इस रिलेशन को प्रूफ करना है कि गामा आपका 3 अल्फा के इक्वल है। इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एल क्यूब के। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, सो डी वी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3L² डी टी। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इस पे इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन थी, अगर हम बात करें लीनियर एक्सपेंशन की, वहां पे क्या आया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। सो अब आप क्या लिख सकते हो, डी एल इज इक्वल टू अल्फा एल डी टी। डी एल क्या है हमारे पास, चेंज इन लेंथ, और आपके पास वॉल्यूम किसके इक्वल था, एल क्यूब के। अब आप क्या करो, अल्फा एल डी टी, यहां पे आपको चाहिए डी एल।
डीएल को आप रिप्लेस कर दो, डीवी आपका आ गया 3 L² dt, डीवी आपको पता है। ओके, एक डीवी आपके पास और पता है आपको। अगर हम ऐसे ही डीवी का रिलेशन लिखे तो डीवी इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा वी डी टी। डीवी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लो, 3 L² dt इज इक्वल टू गामा, वी आगे किसके इक्वल है, L³ के, इनटू में डी टी, डी टी स्मॉल। ठीक है, तो L² से 3 L² dt अल्फा, सॉरी गामा L³ dt। हमें प्रूफ क्या करना था इसको, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। L² से एक L कैंसिल हो गया यहाँ पे, 3 dt से dt कैंसिल, 3 इज इक्वल टू गामा, सॉरी dv इज इक्वल टू 3 L² dt, गामा v की जगह पे हम लिखा L³ इंटू में dt। L³ से L³ कैंसिल, तो आपका वहां पे क्या बचा, 3 L² सॉरी यहाँ पे क्या आना था, L के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहाँ पे dl आएगा, 3 L² dl। तो यहाँ पे 3 dl इज इक्वल टू गामा L, जस्ट वेट, गामा L इंटू में dt। क्लियर है, 3 dl। अब dl की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, अल्फा L dt इज इक्वल टू गामा L dt, L dt कैंसिल, सो 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा। क्लियर है, सो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। अब एरियल एक्सपेंशन में क्या होता है आपके पास, एरिया में, एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन में अब हम क्या ले लेंगे, डेल्टा ए इज इक्वल टू चेंज इन एरिया इंटू में, यहाँ पे बीटा लगा देते हैं, इंटू में डेल्टा टी। बीटा क्या है यहाँ पे, एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए एरिया किसके इक्वल है, L² के। और अगर हम देखें कि इसका रिलेशन क्या है, यहाँ पे जैसे गामा का रिलेशन था, सिमिलरली जो बीटा होता है वो आपके पास, आपको प्रूफ करना है बीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 2 अल्फा के। ठीक है, तो एरिया अगर L² के इक्वल है तो यहां से 2a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2L dl। अब हमें रिलेशन किस किस में चाहिए, बीटा एंड अल्फा में। तो अगर हम डेल्टा a की बात करें, da इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बीटा dt। ठीक है, डी ए इज इक्वल टू ए बीटा डी टी। और अगर हम डी ए की, डी एल इज इक्वल टू हमारा क्या था, डी एल था आपका अल्फा एल डी टी। यही थे हमारे पास दो रिलेशन। प्रूफ क्या करना है आपको, बीटा को 2 अल्फा के इक्वल प्रूफ करना है। अगर डी ए आपका है डी ए इज इक्वल टू 2 L dt, 2 L dl है आपका, यहां पे आपका क्या आना था, सॉरी 2 नहीं, डी ए इज इक्वल टू 2 L dl है। तो आप क्या लिख सकते हो, आगे डी ए का ये भी रिलेशन है, सो डी ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ए बीटा डी टी इज इक्वल टू 2 L dl। अब आपके पास एरिया आगे किसके इक्वल है, L² के, बीटा डी टी इज इक्वल टू 2 L dl की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे, अल्फा एल डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, L² से L² कैंसिल, सो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 अल्फा। सो दीज आर द रिलेशन विच आर द इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. वॉच दिस वीडियो केयरफुली. थैंक यू.